हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज डूरी का सेकेंड डे था एट साइंजरा जी एलपी स्कूल। गुड मॉर्निंग सी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चेक में हैंडशेक लाए, हैंडशेक लाए। यस। डूरी, तुम हमसे पूरी टिफिन ला यहाँ ना जी, तो दोहनिया। साइंजराजी एलपी स्कूल में फिलहाल कोई प्लेग्राउंड नहीं है, इसलिए स्कूल का हेडमास्टर और टीचर्स लोग ने सजेस्ट किया कि कैसे हम लोग इस एरिया में एक प्लेग्राउंड बना सकते हैं अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट आया तो। 2019 दिसंबर का वो दिन याद आ गया जब मी एंड रूही वेर इन सिंगापुर। सिंगापुर में रूही के आंटी और अंकल रहते हैं एंड ऑल्सो माई कजिन ब्रदर जॉयदीप दा, जो ओरिजिनली माईबंग डिमहासव का है। तो उस दिन जॉयदीप दा ने हम लोग को एक अच्छा टूर दिया कि कैसे इन सिंगापुर हर एक रेसिडेंशियल एरिया में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है अलोंग विद प्लेग्राउंड। इन एवरी अपार्टमेंट देयर इज अ स्कूल नियर बाय एंड दिस इज जिंगबी स्कूल। यू डोंट हैव टू गो फार। बट दिस इज अ स्कूल। वाओ, दिस इज अ बैक साइड एक्चुअली। ओके, सो ही कैन जस्ट गेट डाउन द लिफ्ट एंड गो टू द स्कूल। या फ्रॉम क्लास 1 from kindergarten to class 7 they put the school nearby. Okay. Yeah, for university is quite far. But for school backside actually. Oh, this is the front backside. Side is another. When you go back you can see the front side. Front side. It's a Punggol View Primary School. Punggol View Primary School. Yeah. Okay. Most of the apartments, do they have actually, this kind of facilities? Actually, this is a government house. Okay. Same kind of setup. Okay. So yeah. These are built by the government. Government, yeah. So yeah, the yeah. Same facilities are available. Same park. Okay. I mean, you will see almost similar everywhere. Okay. तो देखिए कितना अच्छा बात है कि हर एक residential area में walking distance from home अगर एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हो विच गिव्स क्वालिटी एजुकेशन अलॉन्ग विद अ गुड प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन और पेरेंट्स दोनों के लिए भी सेफ है। सो वी शुड ऑल सपोर्ट आवर गवर्नमेंट एलपी स्कूल्स और उसको हम लोग इम्प्रूव करने में सब साथ देना चाहिए ताकि हम लोग को अच्छा एजुकेशन मिले घर के पास। बट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, अभी भी ऐसा अनएजुकेटेड लोग है जो सड़क के पास ही एक डंपिंग यार्ड बना देता है। माना कि हम लोग का म्यूनिसिपल बोर्ड में प्रॉब्लम है, सैलरी टाइम में नहीं मिल रहा है हाफलोंग में, लेकिन ये देखो हम लोग का नेचर ऐसे हेवन मिला है तो क्यों हम लोग भी एज कॉन्शियस सिटीजन्स हम लोग भी क्यों साथ नहीं दे रहा है। और एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ हाफलोंग टाउन रोड। साइंजरा जी का ये रोड SOPD के अंदर में अच्छा स्कीम निकला था, अच्छा खासा पैसा आया, लेकिन काम में गड़बड़ी करा है। ये देखो ड्रेन नहीं बनाया है, ये पुराना ड्रेन था वो भी अभी तो फिल्ड अप हो गया है, नया ड्रेन बनाना चाहिए था ये लेकिन नहीं बनाया है। एंड इवन दो मैंने बार बार कंप्लेन किया है, जनाया है बोथ द कॉन्ट्रैक्टर एंड द चीफ इंजीनियर एंड द इंजीनियर ऑन साइट का, लेकिन फिर भी वो लोग ने ये ड्रेन नहीं बनाया। एज एन MSC हम ठीक से रिपोर्ट और कंप्लेन ही दे सकता है, लेकिन अगर एक्शन लेना हो तो वो तो PWD का EM, CEM, मिनिस्टर्स लोग ले सकता है। और ये देखिए ये दूसरा रोड है सामने में, यहाँ तो ड्रेन है लेकिन ड्रेन को एक डंपिंग यार्ड बना दिया है, अंदर अच्छा से देखने से सब जगह में कचरा है। तो हम लोग ऐसा क्यों करता है सिटीजन्स लोग। और ये एरिया देखिए, ये एरिया भी 2 साल पहले एक छोटा सा डंपिंग ग्राउंड बना दिया था, इसलिए हम लोग ने दोस्त लोग ने मिल के यहाँ में एक फिल्टर बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आज जाके देखा तो किसी ने ये मूर्ति रख दिया है। ठीक है, भगवान का मूर्ति रखा है, लेकिन मूर्ति के पास ही आप लोग ने ये अगरबत्ती का ये कैंडल का कवर छोड़ के चला गया, ये कौन उठा के लेके जाएगा? भगवान आके उठा के लेके जाएगा क्या? तो उसका सामने में ये प्लास्टिक में और एक घर का कचरा कोई मेन रोड में छोड़ के चला गया। हम बार बार बोल रहा है कि मतलब हम लोग सेग्रीगेट करना चाहिए अपना वेस्ट को, घर में 2 डस्टबिन रखिए, एक डस्टबिन में ये प्लास्टिक वेस्ट आप लोग रख सकता है और दूसरा डस्टबिन में वेट वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट आप लोग रखिए, इसको कंपोस्ट करके आप लोग यूज़ कर सकता है। तो आज रूही का एक फैमिली मेम्बर, एक रिलेटिव का देहांत हुआ है और ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जब हम लोग वहाँ थे तो मेरा माइंड में ये थॉट आ रहा था कि अभी भी हम लोग का जो इंडिजिनियस कल्चर एंड ट्रेडिशन है जो यहाँ में प्रैक्टिस होता है, वैसे तो सब कम्युनिटी लोग नहीं कर रहे हैं आजकल,
बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ तो ये सब कल्चर छोड़ दिया है, मेन स्ट्रीम रिलीजन का कल्चर एडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी हम लोग को देखने मिलता है और स्पेशली डिमासा कल्चर में ये अभी भी प्रेवलेंट है कि कैसे पूरा कम्युनिटी आ जाता है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, स्पेशली दुख का टाइम में। एंड दिस इज़ ए ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आर कल्चर। बहुत सारा सिटीज़ में हम लोग देखा है कि नेबर मरने में भी कोई और साथ नहीं देता है। तो फिर हम लोग घर वापस आया और डूरी के साथ में हम लोग ने एक सेशन किया, पूछा कि होमवर्क कैसे हुआ और क्या क्या पढ़ाई किया स्कूल में। वेरी गुड डी फॉर डूरी नदी आखी भाई वो मॉडर्न आर्ट We want to thank each and everyone who have been watching our vlogs and sending us so much love, especially Duri ke liye. Duri ko itna pyar mil raha hai aur kal ka vlog mein bhi kisi ne likha tha ki Duri is very athletic, usko kuch sports mein dalna chahiye. To aaj hum log usko DSA ground mein leke gaya ek local football match dekhne ke liye and he enjoyed a lot. To aane wala din mein dekhta hai agar usko football mein nahi to aur kuch dusra sport mein bhi kuch coaching training de. So thank you everyone. We send you all our love. We send you all our blessings. Stay safe. Stay healthy. Good night and see you tomorrow.